हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के न्यू फीचर के बारे में, व्हाट्सएप की न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें गाइस अब जो है आप व्हाट्सएप पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपसे अगर आपको किसी से जो है पेमेंट यानी मनी सेंड करनी है, रिसीव करनी है, तो वो जो है व्हाट्सएप के थ्रू कर पाएंगे। तो गाइस इस फीचर के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ कैसे जो आपको व्हाट्सएप पे इनेबल करना है, कैसे आपको जो है सेटअप करना है बैंक वैंक सब, एंड गाइस कैसे आपको पेमेंट सेंड करनी है, रिसीव करनी है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस वीडियो एंड तक देखते रहना, काफी इंटरेस्टिंग होगी। शुरू करते हैं। अभी आप सभी को पता होगा कि व्हाट्सएप को जब फेसबुक ने खरीद लिया, तो भाई अब व्हाट्सएप पे यार अलग अलग अपडेट्स तो लाए गए फेसबुक। तो भाई फेसबुक यहाँ बहुत अच्छी अपडेट लाया गया। एक तरीके से गाइस वो नया फीचर है प्रोफाइल पे जाके, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो है पेमेंट करके। वहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, आप देख सकते हो कि वहाँ पे यार आपको सारे जो है एड बैंक इन सब का देखने को मिलेगा। तो गाइस ये व्हाट्सएप पेमेंट आपको कैसे जो है इनेबल करनी है, आपका जो व्हाट्सएप नंबर है जिससे आपने व्हाट्सएप बना रखा है, वो गाइस आपको जो है बैंक में लिंक होना चाहिए, जैसे आप जो है आधार कार्ड से लिंक कराते हो। तो गाइस आप जो आप पेमेंट कैसे करोगे, आप करोगे NCPI थ्रू के या फिर UPI के थ्रू। तो ये दो जो मेथड्स हैं आप इनके थ्रू जो है करने वाले हो। और यहाँ पे गाइस व्हाट्सएप को जो है काफ़ी सारे बैंक ने जो है परमिशन दे दी है कि आप जो है पेमेंट्स कर सकते हो, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ बैंक है जो इंडिया में है जो काफ़ी ज़्यादा जो है व्हाट्सएप को हेल्प करने वाले हैं, जिसमें आप जो है ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो गाइस अभी क्या सीन है, अभी गाइस आपको अगर वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा किसी से भी आप चैट करते हो, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट का। अब आपको किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है, जैसे आपने आजकल क्या है कि व्हाट्सएप के थ्रू ना बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, तो आपको अगर पेमेंट करनी होगी गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट का। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पे और रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको किसी को पे करने हैं तो आप पे करोगे, वहाँ पे आपको जो है उसका नंबर आ जाएगा और आप पे कर पाएंगे फिर UPI नंबर के थ्रू। देन उसके बाद गाइस अगर आपको आता है, आप देख सकते हो 500 रुपये पे भी हो चुके हैं। देन अगर आपको आता है यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करने, यानी आपको किसी से लेने हैं पैसे, तो गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ अपना QR कोड दिखाना है, जैसे आप पेटीएम में करते हो। सिमिलर जो है पेटीएम के रहेगा, लेकिन थोड़ी सी जो है चेंजेस आने वाले हैं। तो ऐसे आप जो है पेमेंट कर सकते हो, एंड काफ़ी सिक्योर पेमेंट होने वाली है। UPI है तो भाई टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ है बहुत जल्दी व्हाट्सएप पे आ जाएगी, एंड ये चीज़ है काफ़ी हर एक बंदे को मिलेगी। और अभी ये कुछ क्लियर नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस में आने वाली है, लेकिन अगर ये नॉर्मल व्हाट्सएप में भी आएगी तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग, हम जैसे लोग, जैसे अगर हमारा बिजनेस या हम नॉर्मल जो बंदे हैं सिर्फ चैटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी सही है। अगर हमारे लिए भी आ जाएगी तो सही रहेगा। बाकी आप लोगों को क्या रहा है कमेंट में जरूर से बताना। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोज़ मैं रोजाना चैनल पर लाते रहता हूँ। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।